नमस्कार प्रणाम, क्या हाल चाल। आज गाड़ी हम बना रहे हैं, ये वैगन आर है, कंपनी फिटेड सीएनजी, जिसमें कि डायफ्राम खराब था। ये वही गाड़ी है जिसका सेल्फ का हमने दिखाया था, सेल्फ मैनिफोल्ड वगैरह जो खोले थे, थ्रॉटल बॉडी जो गंदा था, वही वाली गाड़ी का एक पार्ट और रह गया था, वो था रिड्यूसर का डायफ्राम। ये हम दिखा दें एक बार, ये वाला, ये डायफ्राम जब फट जाता है तो अक्सर आप देखोगे, अंकल जी नमस्कार कैसे हैं, तो ये वाला डायफ्राम जब फट जाता है तो इस छेद के अंदर से जो है आपको गैस निकलते हुए दिखाई देगा। एक बार ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे नज़दीक लेके आ जाएं, ध्यान से देखो, इस छेद के अंदर से जो है गैस निकलता है और इसमें जो डायफ्राम लगता है वो ये वाला डायफ्राम लगता है ना। ये डायफ्राम इसका जो है अभी चेंज किया गया है, यहाँ से लीकेज था, और यहाँ के लीकेज होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, गाड़ी का आपका एवरेज गिर जाएगा और इस पॉइंट पे नमी दिखने लगे, जैसा भी ये नमी दिख रहा है नीचे, ये देखो, ये नमी पोजीशन दिख रहा है, ये नीचे वाला, और ये तो हमने पेट्रोल अभी मार दिया तो ये साफ हो गया थोड़ा सा, मतलब कि चिकनाई हट गई, रुखा हो गया ना, ऐसे होना चाहिए। ये नमी अगर है तो आप समझ लो कि नमी का कारण सबसे बड़ा है गैस का लीकेज। यहाँ पर एक चीज़ और बताएँगे कि अगर गैस के किसी भी ज्वाइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आपको कहीं से भी अगर नमी दिखता है तो आप समझ लो कि उस पॉइंट से सीएनजी गैस का लीकेज है, और जिस छेद के माध्यम से स्लो गैस जाएगा उस पॉइंट पे आपका गैस का सिलेंडर ठंडा पड़ेगा, खास करके उस पॉइंट पे ठंडा पड़ेगा जिस समय सर्दी हो, मतलब जहाँ पे ठंडी एरिया हो या ठंडी का मौसम हो, जैसे हम लोग के यहाँ अब सर्दी स्टार्ट हो गया है तो अधिकांश जगहों पर दिखेगा कि ठंडा हो गया है पोजिशन पार्ट्स, जिस पार्ट्स पे ठंडी ज़्यादा होती है, जहाँ पे आपको पसीना ठंडा ज़्यादा दिखे उस पॉइंट पे पतला छेद के रास्ते गैस जा रहा है, कई बार वहाँ पे ब्लॉक भी हो जाता है, तो आप जहाँ पे ठंडा हुआ करता था उस पॉइंट को खोल करके देखेंगे तो आपको फॉल्ट मिल जाएगा, और सीएनजी का डायफ्राम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं आसानी से, लीकेज बंद हो जाएगा, आपका माइलेज बढ़ जाएगा, एवरेज बढ़ जाएगा, गाड़ी भी अच्छी चलेगी। ये सारी जानकारियाँ हैं और फिलहाल आज की वीडियो में, इस वीडियो में हमने दो जानकारी दी है, इतना बहुत है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बॉस, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने भाई को दिल में जगह दीजिएगा। इसके साथ थैंक यू, बाय।